बागेश्वर जिले के गरुड़ भिटार कोट में बीती रात जंगल में लगी आग ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचने से भारी नुकसान होने का मामला सामने आया है। वहीं देर रात आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया। इस दौरान आग की चपेट में आने से एक ग्रामीण की घास, पिरुल और खाना बनाने की लकड़ियां जलकर राख हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने से नुकसान होने पर पीड़ित महिला ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते मकान के ऊपर बिछाया प्लास्टिक भी जलकर खाक हो गया है। वहीं आग की सूचना मिलने पर राजस्व निरीक्षक किशन लोबियाल प्रभावित परिवार के पास पहुंचे और नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने की बात कही। रात आदू के साथ साथ लूट भुगी रही, सात आठ भुगी रही, तिरुआ टाइम सारे भुगी को मकान तो जरा में बच रहा। नानू बहुत रात है भगवान तो हसी ली गई गंगन में बहुत में तो ज्यादा तक सुधे बेई बेटी मैं तब गोर भैया घा खाई मोल यही घाला भुगी को मैं पिल्सन होना है धोया बुढ़िया पिल्सन होनी उली बेले मिल घा दे रही बोई मैं बुआ रेट बस मैं बुआ रेट बस मिल घा याद आ रहा। अनिल दोसाद जिला पंचायत सदस्य भावना दोसाद के प्रतिनिधि के तौर पर मैं इस यहाँ मौके पर आया हूँ। यहाँ कल रात भीषण आग लगी जंगल से और घर की तरफ आ धमकी और जो इनका सती लोगों का इनका पूरा करीब 8-10 लूटे तो घास के जल गए हैं और मकान पीछे से आंशिक रूप से मकान को भी नुकसान हुआ। रात को बच्चों को भी बड़ी मुश्किल से गाँव वालों ने बाहर निकाला और गाँव के कई लोगों ने यहाँ आग बुझाने में मदद की और इनका लड़का लॉकडाउन से भी बेचारा बेरोजगारी में घरी में है और कभी गरीब परिवार है, इनके बाहर रहने के लिए भी मकान नहीं है, मकान भी पुराना है, उसके ऊपर पॉलीथीन डाला है, बरसात में भी चूता है। तो मेरा विभाग से अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी इनको उचित मुआवजा दिया जाए और इनकी मुश्किल में साथ दिया जाए इनका। हर खबर में होगी हमारी नज़र, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।